दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में जहां भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित कर दिया और सभी भारतीय प्रशंसकों को काफी ज्यादा प्रसन्नता हुई है। वहीं मुकाबले के दौरान एक ऐसी खूबसूरत महिला को देखा गया जिसे देखने के बाद तो सभी भारतीय प्रशंसक और खिलाड़ी खुशी से मचल उठे और यहां तक कि इस खूबसूरत महिला की खूबसूरती निखारने के लिए तो सभी खिलाड़ियों का ध्यान मुकाबले से हट गया, महिला पर चला गया सबका ध्यान। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कौन थी वो खूबसूरत महिला जिसे देखने के बाद तो सभी प्रशंसक और खिलाड़ी इस तरह इतने ज्यादा उत्साहित नजर आए जिसे देखने के बाद तो क्या ही कहना। और आप सभी को क्या लगता है कि क्या मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन है बेहतरीन गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया। पहले बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का पहाड़ समान लक्ष्य रखने में कामयाब रहे। भारत की ओर से मयंक अग्रवाल ने 62 रनों की शानदार पारी खेली और वहीं उनके बाद शुभमन गिल और पुजारा ने 47 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली जिन्होंने 36 रन की पारी खेली और इसके बाद दोस्तों हमें मुंबई के वानखेड़े मैदान पर एक तूफानी बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला जब बल्लेबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल जिन्होंने आते ही इतनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसके मुरीद तो बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी हो गए। और आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने तीसरे दिन के खेल में 26 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाकर गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा और लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज की जमकर धुलाई लगाई। इसे देखकर तो सभी भारतीय प्रशंसक काफी ज्यादा खुश नजर आए। वहीं दोस्तों 540 रनों के पहाड़ समान लक्ष्य का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने पूरे तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने बेबस और लाचार पड़ते हुए नजर आए क्योंकि भारत के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को नेस्त नाबूद करके रख दिया। और जहां रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 कीवी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया वहीं अक्षर पटेल ने 1 कीवी बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया और तीसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड की आधी टीम को 140 के स्कोर पर पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। दोस्तों अब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने से महज 5 विकेट दूर है जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी चौथे दिन के खेल में ही प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे और इस मुकाबले को जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बेहद ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके दिखाया है जिसे देखकर तो सभी भारतीय प्रशंसक काफी ज्यादा खुश नजर आए। लेकिन दोस्तों मुकाबले के दौरान एक ऐसा वाक्य देखने को मिला जब कुछ पल के लिए तो सभी दर्शकों ने मुकाबले से अपना ध्यान हटा दिया। दोस्तों बता दें कि यह वाक्य था न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान जब टीवी स्क्रीन पर एक बेहद ही खूबसूरत महिला का चेहरा सामने आया। दोस्तों ये महिला इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती निखारने के लिए सभी प्रशंसकों ने खेल से अपना ध्यान हटाकर इस खूबसूरत महिला पर डाल दिया। यहां तक कि कई खिलाड़ियों का भी ध्यान मुकाबले से हट गया और इस खूबसूरत महिला की ओर चला गया। दोस्तों इस खूबसूरत महिला का बायोडेटा जानने के लिए सभी प्रशंसक और खिलाड़ी काफी ज्यादा उत्सुक हैं। लेकिन अगर आपको इस खूबसूरत महिला का बायोडेटा जानना है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।